सो गाइज, न्यू ईयर तो आ ही चुका है तो मैंने सोचा भाई लोग के लिए एक नया फोटो एडिट किया जाए। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस फोटो को एडिट किया है जो रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा गाइज। तो इस वीडियो में गाइज जो भी PNG बैकग्राउंड का यूज होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आज मैं इस फोटो को एडिट करने वाला हूं तो इस फोटो को सबसे पहले अपने स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर कर लेता हूं। तो इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों को भी अपने स्नैपचैट ऐप के अंदर इस फोटो को शेयर कर लेना होगा। तो जैसा कि गाइस हमारी ये फोटो है स्नैपचैट ऐप के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से शेयर हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को करना क्या होगा, इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। अगेन आप लोगों को क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारे लाइंस और टूल्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों को इस हीलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। तो गाइस हीलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप में अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से आप लोगों को रेड कर लेना होगा। तो जैसा मैं भी रेड कर हूं आप लोगों को भी यहां पर इस टाइप से रेड कर लेना होगा। और अगेन आप लोगों को रेड कर लेने के बाद गाइस इस टाइप से छोड़ देना होगा और आपकी पूरी फोटो यहां से गायब हो जाएगी और केवल आपकी बैकग्राउंड ही यहां पर दिखेगी। तो आपको घबराना नहीं है, यहां से आप लोगों को नीचे वाले ऑप्शन से राइट क्लिक कर देना है। अगेन आप लोगों को राइट क्लिक कर देने के बाद आपकी बैकग्राउंड कुछ इस टाइप से मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपनी बैकग्राउंड को हम लोग ब्लर करने वाले हैं। तो ब्लर करने के लिए सबसे पहले इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। अगेन आप लोगों को क्लिक कर लेने के बाद यहां पर आपको देखिए ऐसे नीचे आ जाना है। और नीचे आ जाने के बाद गाइज यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर लेंस वलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस लेंस वलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगेन आप लोगों को क्लिक कर लेने के बाद इसकी ओपेसिटी को पूरा छोटा कर लेना है इस टाइप से। और छोटा कर लेने के बाद इसकी ब्लर वाली ओपेसिटी को इतना सा इंक्रीज कर लेना है। और गाइज इतना सा इंक्रीज कर लेने के बाद आपको बीच वाले पे आ जाना है और बीच वाले को छोटा कर लेना है। पूरा डिक्रीज कर देने के बाद इस बिंदु को जो है यहाँ पर ऐसे ला के नीचे सेट कर देना है और इसकी विग्नेट को कम कर लेना है, इतना सा रख लेना है। अगेन आप लोगों को ये सेटिंग रख लेने के बाद यहां पर आपको कोने में राइट क्लिक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग भी राइट क्लिक कर लेंगे। अगेन आप लोगों को राइट क्लिक करते ही आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। तो आपको करना क्या है, अपनी फोटो को सबसे पहले ब्लैक कर लेना है। तो पेंसिल की आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर आपको एक विंटेक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस विंटेक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देन आप लोगों को क्लिक कर लेने के बाद इसकी सिचुएशन को फुल्ली डिक्रीज कर देना होगा और इसको नीचे वाले ऑप्शन को इतना सा इंक्रीज कर लेंगे। अगेन आप लोगों को ये वाली सेटिंग रख लेने के बाद यहाँ आपको कोने से राइट क्लिक कर देना है और इस टाइप से आपकी फोटो मिल जाएगी। तो अपनी फोटो में सबसे पहले हम आप लोगों को एक रेड टाइप का टोन आप लोगों को डाल कर दिखाने वाले हैं, कुछ बैगनी टाइप का टोन। तो वो टोन को हम लोग कैसे इस फोटो के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो वो आप लोगों को ये ध्यान से देखना होगा। तो इस पेंसिल की आइकन पर क्लिक करना होगा। अगेन आप लोगों को ऐसे ऊपर आना होगा, यहाँ पर आपको एक कर्व का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से आपको कर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। अगेन आप लोगों को क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना होगा, कलर वाली को। और ऊपर से आपको यहाँ पर एक रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो रेड वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी कर्व लाइन को गाइज इस टाइप से पकड़ के ऊपर खींच देना है कुछ इस तरह से। अगेन आप लोगों को ये सेटिंग कर लेने के बाद तो फिर से आपको कलर्स वाले ऑप्शंस पे आ जाना है और गाइज ग्रीन को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी कर्व लाइन को गाइज ऐसे नीचे खींच लेना है इतना सा। अगेन आप लोगों को ये कर्व लाइन को नीचे खींच लेने के बाद गाइज आपको फिर से कलर्स वाले ऑप्शंस पे आ जाना है और ब्लू सिलेक्ट कर लेना है और ब्लू को गाइज आपको इस टाइप से ऊपर की ओर इतना सा ले करके आ जाना है। अगेन आप लोगों को ये सेटिंग रख लेने के बाद यहाँ से आपको कोने वाले ऑप्शन से राइट क्लिक कर देना है और देख सकते हैं गाइज काफ़ी अच्छे तरीके से बैगनी टोन आपकी इसमें बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है। तो अगेन हम इस बैकग्राउंड को सबसे पहले सेव कर लेते हैं। तो इस शेयर वाले ऑप्शन से अपनी बैकग्राउंड को सेव कर लेंगे। और अगेन आप लोगों को सेव कर लेने के बाद अब जिस फोटो को पहले आपको ओरिजिनल टाइप में ला देना है तो इस वाले बीच वाले ऑप्शन से ऊपर वाले बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बीप्स एडिट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ओरिजिनल का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और देख सकते हैं गाइज आपकी ये फोटो ओरिजिनल आ चुकी है। यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है। अगेन आपने जिस फोटो को अभी शेयर किया था उसे पहले अपनी फोटो में अप्लाई कर लेते हैं। तो इस पेंसिल की आइकन पर क्लिक कर लेना होगा। अगेन आप लोगों को ऐसे नीचे आना होगा, यहां पर देखिए आप लोगों को डबल एक्सपोजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसे डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। देन आप लोगों को क्लिक कर लेने के बाद फर्स्ट नंबर वाले पास्ट को प्लस वाले आइकन को सिलेक्ट करना होगा। अगेन आपने अभी जिस बैकग्राउंड को पहले सेव किया था उस बैकग्राउंड को हम लोग अपनी फोटो में अप्लाई कर लेंगे। तो इस वाले बैकग्राउंड को मैंने अभी सिलेक्ट किया था तो इसे सिलेक्ट कर लिया हूं। अगेन आप लोगों को लास्ट वाले ऑप्शन पे बिंदु वाले
ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसकी ओपेसिटी को गाइज इस टाइप से आपको फुल्ली इंक्रीज कर लेना होगा और देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से ये फोटो में आपकी बैकग्राउंड लग चुकी है। तो आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना है और देख सकते हैं गाइज आपकी बैकग्राउंड मतलब कितनी अच्छे तरीके से ये आपकी फोटो के अंदर बैकग्राउंड काफी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो अपनी फोटो को इससे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज ऊपर बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको बीप स्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा तो बीप स्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अगेन आप लोगों को बीप स्लिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक कर लेने के बाद गाइज यहाँ से आपको ब्रश को बीच वाले ब्रश को ले लेना है। अगेन आप लोगों को बीच वाले ब्रश को ले लेने के बाद अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है। उसके बाद साइज को 100 रख लेना है और 100 रखने के बाद अपनी बैकग्राउंड के साइड साइड में इसे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं आपकी बैकग्राउंड में ये वाली इफेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। तो आप लोगों को यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। अगेन गाइस आप लोगों को करना क्या है, इस तीर वाले ऑप्शन से बैक आ जाना है। उसके बाद गाइस करना क्या है, सबसे पहले अपनी फोटो में एक PNG को ऐड करने वाले हैं। तो PNG का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले उस PNG को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर लेना होगा, ऐसे आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको एक डबल एक्सपोजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। अगेन आप लोगों को ये फर्स्ट नंबर वाले पार्ट्स पे आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। अगेन उस PNG को हम लोग ले लेते हैं। तो जैसे कि इस PNG को हम लोग इस टाइप से ले लेते हैं और आपको बीच वाले 3 ऑप्शन पे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। अगेन आप लोगों को राइट क्लिक, यहाँ पर आपको लाइटन क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना होगा। और देख सकते हैं गाइस काफी अच्छे तरीके से ये वाली PNG आपकी बैकग्राउंड में सेट हो चुकी है। तो अगेन आप लोगों को एक PNG और लगानी है जो कि न्यू ईयर का 2022 का ये न्यू PNG आने वाला है। तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके उस PNG को ले लेंगे। तो इस PNG की मैं बात कर रहा था तो इसे कुछ इस टाइप से छोटा कर लेना होगा गाइज। और छोटा कर लेने के बाद आपको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर ऊपर लगा कर दिखा देता हूँ। तो ऐसे आप लोगों को छोटा कर लेना है और इस टाइप से आप लोगों को छोटा कर लेने के बाद यहाँ से आपको ऊपर बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से लाइटन कर देना है। अगेन लाइटन करते ही आपकी ये वाली PNG काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर लग चुकी है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं और जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं बड़ा करने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से हो गई है। तो यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। अगेन हम आप लोग इस बार अपनी फोटो पे क्या करने वाले हैं, अपनी फोटो को सबसे पहले स्मूथ करने वाले हैं। तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। अगेन आप लोगों को यहाँ पर एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अगेन पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ना आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से हो जाएगी और आपकी जो है स्मूथिंग टू में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऊपर वाले लाइन को घटा देना है, इतना कर लेना है और नीचे वाले स्मूथिंग वाले स्किन स्मूथिंग वाले को ऑप्शंस को इतना सा इंक्रीज कर लेना है, आपको नीचे वाले को घटा देना है। और आप लोगों को ये सेटिंग रख लेने के बाद यहां से राइट क्लिक कर देना है। अगेन आप लोगों को करना क्या है गाइज, फिर से अपनी फोटो को थोड़ा लाइट लाना है अपनी फेस के ऊपर। तो इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है। अगेन आप लोगों को यहाँ पर आपको देखिए ऊपर में एक सिलेक्ट टू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिलेक्ट टू पर क्लिक कर लेंगे। और सिलेक्ट टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपनी फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से उंगली रख लेना है। उंगली रख लेने के बाद ब्राइटनेस को इतना सा इंक्रीज करना है और कॉन्टेक्स्ट को इतना सा डिक्रीज कर देना है और सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। अगेन आप लोगों को हाथ पे भी अपने उसी तरह कर लेना है। तो यहाँ पर इस टाइप से हैंड पे ला देना है और ब्राइटनेस को इतना सा इंक्रीज करना है, कॉन्ट्रास्ट को इतना सा इंक्रीज कर देना है, सिचुएशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और यहाँ से आप लोगों को इस टाइप से कर लेना है। अगर ये सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है और देख सकते हैं गाइस आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है जो देखने में काफ़ी ऑसम सी लग रही है। तो अपनी साड़ी के कलर को थोड़ा डार्क टोन में डालते हैं। तो पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना होगा। अगेन आपको ऐसे ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको ट्यून इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद गाइज करना क्या है, इसकी सैचुरेशन को फुल्ली इंक्रीज कर लेंगे और इसकी अंबाइंस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे इतना सा। और गाइज यहाँ पर आपको हाइलाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हाइलाइट्स को भी हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे इतना सा और शैडोज को भी थोड़ा सा ले लेते हैं डिक्रीज में इतना, और इसके नीचे वाले लाइंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अगेन आप लोगों को यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। और गाइज हम लोगों को करना क्या है, ये वाली इफेक्ट आपकी स्किन पर से ही रिमूव होगी, बाकी अपनी सारी जगह पर रहने देना है। तो इस ऊपर वाले बीच वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको बीप स्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो बीप स्लिट पर क्लिक कर लेंगे। और गाइज आप लोगों को करना क्या है, ये ट्यून इमेज पे ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बीच वाले ब्रश को ले लेना है और अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से इस वाले आइकन पर सबसे पहले क्लिक कर देना है और अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से जूम कर लेना है और स्किन पर से रिमूव कर देना है।
और गाइस आपकी ये वाली इफेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन पर से रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ से आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है और देख सकते हैं गाइस आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिख रही है, जो देखने में काफ़ी ऑसम सी लग रही है। इस तीर वाले ऑप्शन से बैक आ जाना है, अगेन अपनी फोटो को गैलरी में सेव कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे दिए गए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।